व्यूअर्स, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर का नंबर वन न्यूज़ प्लेटफॉर्म और हर घर की आवाज़ कश्मीर क्राउन। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने। व्यूअर्स, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से 11th क्लास के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मास प्रमोशन को लेकर। वो पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। व्यूअर्स, आपको बता दें जम्मू वालों को, जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पर जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ दिन पहले मास प्रमोशन का ऐलान किया गया, पर कश्मीर डिवीज़न के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास के, उनको मास प्रमोशन नहीं दिया गया। आपको याद होगा एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर जो इंटरनेट की जो स्पीड है बंद कर दी गई पहले, उसके बाद स्पीड को जो है 2G में कन्वर्ट किया गया और आज तक वो जो स्पीड है वही स्पीड 2G इंटरनेट स्पीड यहाँ पर बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो पिछले कई सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे स्कूल्स की, तो स्कूलों में सिर्फ स्कूल जो यहाँ के कश्मीर के स्कूल हैं वो सिर्फ 70 से 80 दिन ही खुलते हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई किस तरीके की होती है ये आप सब को बखूबी आप इससे वाकिफ़ हैं। तो व्यूअर्स, आज इसी मुद्दे पर जो 11th क्लास के बच्चे हैं, पिछले कई दिनों से आपने प्रेस कॉलिंग का भी के भी प्रोटेस्ट देखे होंगे, सोपोर से, बांडीपोरा से, बारामूला से, हर जगह से 11th के जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनको मास प्रमोशन दिया जाए। यही ये सवाल भी उनसे किया था कि आपको एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इनका जवाब यही था कि पिछले 1.5 साल से इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंटरनेट डाउन होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। तो व्यूअर्स, देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट जारी है। 11वीं क्लास के बच्चे पिछले कई दिनों से मास प्रमोशन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से तालीमी निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। अगर लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ कश्मीर के बच्चे थे जो अभी भी 2G की दुनिया में जी रहे हैं। अब इसी बात को लेकर 11वीं क्लास के तालिबे इल्म पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं। अगर जम्मू डिवीज़न को मास प्रमोशन मिल सकता है तो कश्मीर में बच्चों के लिए ये मास प्रमोशन क्यों नहीं मिल सकता, ये एक बड़ा सवाल है। प्रमोशन है, हमने पिछली बार भी एक रैली निकाली थी बट उसका सलूशन कुछ आया ही नहीं। कल भी एक स्टूडेंट ने सुसाइड करा है। अगर कंटिन्यूसली ये स्टूडेंट सुसाइड करेंगे उसकी जिम्मेदार सिर्फ आपकी गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हद से ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। ये अब हमें बोल रहे कि आपने स्टडी मटेरियल दिया है, इनको बोले कि स्टडी मटेरियल आप कब से दे रहे हैं, क्लास आप कब से ले रहे हैं, फिर इन्होंने जूम क्लास दी, यहाँ पे 2G स्पीड है तो हम पढ़ेंगे क्या वो हम खाली बस हमारा एक ही है लोगो है कि हमें मास प्रमोशन चाहिए। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों ने स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज किया और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पारा के भी है। हम जब अपनी आवाज़, ये हमारे राइट्स को क्यों दबा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे राइट्स को क्यों दबा रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये लोगों ने लाठी चार्ज क्यों किया जब स्टूडेंट्स, ये खुद स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती वायलेंस पे आने के लिए मतलब बुला रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम है? हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सिलेबस जो 11th का सिलेबस होता है वो पूरे सेशन में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हमारा ये जो सिलेबस है वो 20 डेज में कैसे कंप्लीट हो रहा है। ये हमें ये बोल रहे हैं कि जाओ मारो एग्ज़ाम में, जाओ वहाँ पे, फिर आए हमें कुछ आए मत आए, जाओ मारो एग्ज़ाम पे, वहाँ पे एग्ज़ाम दो। सर यहाँ पे वैसे भी बच्चे हैं जिनके घर में आजकल फोन्स अवेलेबल भी नहीं हो सकते, क्योंकि गरीबी की वजह से वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम कर मतलब पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन फिर भी उन बच्चों के बारे में भी हमें ये सोचने चाहिए जिनके घर में फ़ोन्स अवेलेबल नहीं होते। और कल को अगर मतलब ऐसे हमारा एग्ज़ाम लिया गया बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे, फिर वो भी सुसाइड करेंगे, वो भी इन्हीं के सर पे चढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं मास प्रमोशन चाहिए बस। देना पहले हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 11th का सिलेबस हमें पता है कितना ज़्यादा डीप होता है सर, वो डीप भी पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आर्ट स्टूडेंट्स हो, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो टोटली इनकम्प्लीट है। हमने 10% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया और ऊपर से ये कह रहे हैं आप 70% सिलेबस का एग्ज़ाम दो। हम कहाँ से दे सकते हैं 70% सिलेबस का एग्ज़ाम कहाँ से हम दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एजुकेशन से हमें अपने बिहेवियर का हम कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कल भी देखा कि 11th क्लास के स्टूडेंट ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, जब इंसान खुद को ही मार रहा है इस एजुकेशन की वजह से, फ़ायदा क्या है हमारा, पढ़ने का फ़ायदा क्या है। जब ये जेकब बोस कह रहा है कि 10 डेज में आपका डेट शीट निकलेगा 12th का 11th का,
डेट शीट निकलेगा, इससे इंसान डिप्रेशन में आ जाता है कि हम कहाँ से एग्जाम देंगे, ऊपर से सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। इनको चाहिए अगर इन्होंने 2G इंटरनेट की। अब आप लास्ट आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी यही डिमांड रहेगी हमें मास प्रमोशन कीजिए, क्योंकि ये वहाँ से कहते हैं कि कम्पिटेटिव एग्जाम है। मुझे कम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर ही नहीं होना है तो फायदा क्या है कम्पिटेटिव एग्जाम में? मुझे नहीं जाना है कम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहेगा क्या? आप ये कौन सा रीज़न हुआ कि आप कम्पिटेटिव एग्जाम लगा रखा है इन्होंने? थोड़ा सोचिए अपनी जगह कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। आपके टीचर्स जो थे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे, वो ऑडियोज भेजते थे, जब वो थक गए ऑनलाइन क्लास देते हुए, जब वो खड़े बैठकर क्लास देते हुए थक गए ना, तो उन्होंने फिर ऑडियो भेजना शुरू किया। जब ऑडियो भेजकर भी थक गए ना, फिर उन्होंने क्लास छोड़ी दी। आपको किस सिलेबस की बात कर रहे हो आप लोग?